हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करें, जीमेल आईडी कैसे बनाएं। वैसे तो इस बारे में सभी लोग जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते वो हमारा वीडियो देख के जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं, हमें ऐसा जीमेल क्रिएट अकाउंट करके गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके डिस्प्ले में ऐसे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन लेना है। आप कोई भी चुनोगे तब भी वहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करके दिखाएगा, लेकिन हम एक ही ऑप्शन चुन रहे हैं। यहाँ पे देखो, साइन इन गूगल अकाउंट, अभी हमने इस पर क्लिक कर दिया है। देखो हमारा नया पेज खुल रहा है। तो हमने यहाँ पे कई सारे अकाउंट बनाए हुए हैं, तो हमें नया अकाउंट बनाने के लिए दूसरे खाते का उपयोग करें यहाँ पे दिया हुआ है। हमने इस पर क्लिक किया, फिर हमारे डिस्प्ले में कुछ ऐसा ऑप्शन आता है सामने। फिर हम आप नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा होता है क्रिएट अकाउंट, ये देखिए आपके सामने लिखा है, और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है। तो हमको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट में। ये लो, हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन उस पर आएंगे, एक फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो हमें तो आपको दिखाना है, तो हम इसलिए फॉर माई सेल्फ कर रहे हैं। आप भी कोई भी कर सकते हो, जो आपको चॉइस करना है वो चॉइस कर सकते हो। ये हमने क्लिक कर दिया, अभी आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, पूरा जीमेल का ब्यूरो आ जाएगा, आपको क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं डालना। हाँ, तो आपको सबसे पहले डालना है आपका पहला नाम, जो भी आपका नाम है वो डाल देना है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा लास्ट नेम, जो भी आपका सरनेम है वो डाल देना है। ऐसे करके सरनेम हमने डाल दिया, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक यूजर नेम आपका क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे कई सारे ऑप्शन भी देंगे, अगर आपको वो यूजर नेम नहीं डालना, कोई दूसरा डालना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो अपना नाम चेंज करके कुछ और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नाम भी डाल सकते हैं और कोई भी किसी का भी नाम डाल सकते हैं, या आप किसी भी नाम से अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है पासवर्ड, फिर हमें पासवर्ड डालना है, कम से कम 8 अंक का पासवर्ड होना चाहिए। तो हम पासवर्ड डालते हैं, अभी देखते हैं। ये आ गया कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड में भी हमें डालना है, दोस्तों दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए, दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए और कम से कम 8 अंक का होना चाहिए। और आप दोनों चीज़ यूज कर सकते हो, अंक और सब दोनों चीज़ यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें ये सारा कुछ हम डालने के बाद हमको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। हमने ये नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा डिस्प्ले में। जब ऐसा ऑप्शन आ जाए, तो सबसे पहला ऑप्शन है फ़ोन नंबर, तो हम फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हैं और अपना नंबर डालते हैं, 85 28 98 98। ये हमने अपना नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद आपका आता है रिकवरी ईमेल, इसमें रिकवरी ईमेल आप कोई भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास रहेगा, या किसी दूसरे का, या कोई अपना पुराना ईमेल आईडी जिसमें जिसका आप मेल पढ़ सको, जो इसके बारे में आए इन्फॉर्मेशन पहला कंफर्मेशन का। फिर उसके बाद यहाँ आपको डालना है डेट ऑफ बर्थडे। डेट ऑफ बर्थडे में सबसे पहले माउंथ है, महीना डालना है आप किस महीने में पैदा हुए हैं, उसके बाद कौन सी डेट थी और कौन सा साल था। फिर उसके बाद आपको यहाँ जेंडर देखना है, जेंडर में मेल या फीमेल कोई भी आप सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप हो, मेल हो फीमेल हो तो आपको ही पता होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थडे भी डाल देना है, डेट ऑफ बर्थडे डालना है और मेल फीमेल सेलेक्ट करके यहाँ से। उसके बाद फिर आपको देखना है नीचे, या नीचे वाई वी एस्क फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, हमने क्लिक कर दिया, अभी देखते हैं। अभी आपके पास आ गया वेरीफाई और फ़ोन नंबर, तो आपको अपना नंबर अभी वेरीफाई करना है। तो इसमें दिया हुआ है, टू मेक श्योर दिस नंबर योर इस गूगल विल सेंड यू टेक्स्ट मैसेज विल एट 6 डिजिट वेरीफिकेशन कोड स्टैंडर्ड रेट्स अप्लाई।
वो बोल रहे हैं हम आपको 6 अंक का एक कोड भेजेंगे और वो कोड आपको डालना है और इसी नंबर पे आएगा जो हमारे डिस्प्ले में नंबर दिखा रहा है, जो भी आप नंबर डालोगे उसी नंबर पे आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है, सेंड पे। ये लो हमने क्लिक कर दिया। हाँ अभी वेरिफिकेशन हो गया, अभी हमारे नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। हाँ जी आ गया, अभी हम देख लेते हैं। ये देखो आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ गूगल वेरिफिकेशन कोड 6738। तो ऐसे करके आपका अपना वेरिफिकेशन कोड इसमें डालना है। फिर वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई दिया हुआ है, इस वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे फिर लिख गया गेट गेट मोर फ्रॉम योर नंबर। तो बोल रहे हैं आपके नंबर पे आपको क्या क्या चालू करना है, वो आप अपने हिसाब से जो जो आपको चालू करना है वो चालू कर दो। अगर आपको कुछ एक चीज़ चालू कर आप अगर आप यहाँ पे स्कीप भी कर सकते हो, आपको वो सब पे इंटरेस्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर आपको सारी सुविधाएं चालू करना है तो यहाँ पे लिखा है यस आई एम इन, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, फिर इसमें आता है प्राइवेसी एंड टर्म्स। तो उसके बाद हमको यहाँ देखना है, पूरी पढ़ना है, अगर आप पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें सेम शर्तें हैं जो सबके लिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ आना है आई एंग्री, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो अभी हम अकाउंट कंप्लीट हो गया, अभी आपके सामने आ जाएगा। ये लो हमारा अकाउंट बन गया, सारी सारी चीज़ें इसमें चालू हो गई। अब हमको अगर इसका कुछ सिक्योरिटी चालू करना है या कुछ प्राइवेसी करना है तो यहाँ से, और अगर वेरिफिकेशन बाकी हमको वेरिफिकेशन करना है तो हम यहाँ से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और कुछ भी जानना है गूगल के बारे में और सारी इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, आप जो भी आपको जो भी ज़रूरत है आप वो यहाँ से कर सकते हो जीमेल आईडी में। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी में आपकी तस्वीर डालना है, फ़ोटो लगाना है, डीपी लगाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है बीके चेंज, ये चेंज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिया है ड्रैग ए फोटो फोटो हेयर, ड्रैग ए प्रोफाइल फ़ोटो हेयर। तो आपको यहाँ दिया है स्टेटस प्रोफाइल, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये देखो सेलेक्ट ए फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे ही आपका फ़ोटो का गैलरी खुल जाएगा, और उसके बाद आपको फ़ोटो कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको कंफर्म करना है। ये देखो हमारे सामने आप नया फ़ोटो भी बना सकते हो, आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और आपकी फ़ाइल से भी ले सकते हो, आपको जैसे चाहे वैसे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जीमेल अकाउंट खोलना है। वैसे तो ये जानकारी सभी लोग जानते हैं और ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, फिर भी जिसको नहीं पता वो हमारा वीडियो देख के बना ले अपनी जीमेल अकाउंट और सारी सुविधाएं उसमें चालू कर ले। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो प्लीज़ हमारा अकाउंट सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए हम क्या बोलना चाहते हैं और क्या बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा उसको बढ़ाओगे और काट दोगे तो उसमें आपको कुछ सारे ऑप्शन निकल जाएंगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।